लड़की चाहिए अमीर ताकि मैं काम ना कर सकूं। उसका माल होगा, बैंक बैलेंस होगा, मैं रोड पे बस कार आऊंगा। अरे बेशर्म लोग, अल्लाह ने फरमा दे अव्वल तो शरीयत कहती है उसका कुफी नहीं है, ये खाम खा के आसरा लगाना कहीं जा रहा होगा उसने मुझे देख लिया खाम शक्ल तो दूर रहो, उम्मीदें दिलाता है, ख्यालाते पकाता है, लड़कियों की मोहब्बत में तुम्हें मुब्तला करता रहेगा। वो एक बंदा आगे कहते हैं मुझे मुबारकबाद दो, मेरा रिश्ता आधा पक्का हो गया। कह रहे कैसे? कह रहे बादशाह की बेटी से शादी करने वाले हो, तो का आधा कैसे पक्का हो गया? कह रहा मैं राजी हूं, बस उसके राजी रहने की देर। समझ आ गई? तो हम कहते हैं कि अपना रिश्ता आधा पक्का कर लो अल्लाह से, तुम अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ लो, झुके तेरा दिल अल्लाह की तरफ हो जाए, बस उसके राजी होने की फिर देर है। अल्लाह से जब मांगो ना तो बेहिसाब मांगा करो, ये भी मांगा करो, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये भी अल्लाह बेहिसाब दे, फिर जितना दे उस पर शुक्र अदा करो। मांगो पे हिसाब, न इधर हिसाब न उधर हिसाब, रिज़िक दे बगैर हिसाब, व तर्ज़ुक मन तशा बगैर हिसाब। जन्नत मांगो या अल्लाह बगैर हिसाब किताब के दाखिल फरमा दे, हम दो वाली जन्नत चाहते, हिसाब किताब वाले हम नहीं। दाखिल कर हमें जन्नत फिरदौस में बगैर हिसाब के, ये दुआ। सब दुआएं सिखाई है, किसी के लिए सिखाई है। हम इस पे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह यार सुनना, जब हम कब्र में जाएंगे तो हमारे होश और हवास काम करेंगे। अभी इल्म की बात आ रही है, हमारा ये जो हमें बिल्कुल फिर कोई डर नहीं, फिर जो पूछा जाएगा उसका जवाब दे देंगे हम। और जब अमल पर बात आती है तो अपने अमल पर कभी नाजा नहीं है, अल्लाह की तौफीक, उस पर भी डरते थे। जन्नती सहाबा अपने अमल पर भी डरते थे, यहां आधार शराब में टोपाई।